नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चुनाव में उतरने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी 3.0 के पहले 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर लिया था। इस एक्शन प्लान में सबसे ऊपर है देश की सेनाओं का कायाकल्प करना, और इसीलिए आज द पीएम फैक्टर में बताएंगे कि भारतीय सेना को कौन कौन से ब्रह्मास्त्र मिलने वाले हैं और पीएम मोदी अगले 100 दिन में हथियारों की किस बड़ी डील पर फाइनल मोहर लगाने वाले हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट। दस साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है। अब जो करना है वो ग्लोबल बैंक मार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पल पल देश के नाम है। लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए, काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता हूं। साल 2023, मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन का मुकाबला करने के लिए और भारत की सैन्य ताकत को बेजोड़ बनाने के मकसद से करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे। अमेरिका, इसराइल, फ्रांस, रूस जैसे देशों से बड़ी बड़ी डिफेंस डील हुई। अब वक्त है इन ब्रह्मास्त्रों के डिलीवरी का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल भारत की सेना को महाशक्तिशाली बना देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी में राफेल एम से लेकर रीपर ड्रोन तक और नई परमाणु पनडुब्बियों से लेकर S-400 जैसे अभेद्य कवच। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। मोदी 3.0 में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाने का काम होगा। डील पहले ही हो चुकी है। मोदी 3.0 में देश की सेनाओं को ब्रह्मास्त्रों की डिलीवरी होगी। इन ब्रह्मास्त्रों में पहला नाम है S-400 का। S-400 यानी अभेद्य हवाई सुरक्षा कवच। S-400 यानी पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाले फाइटर जेट्स, मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव की पक्की गारंटी। बड़ी खबर यह है कि रूस से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम का तीसरा रेजिमेंट मिलने वाला है। S-400 की एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं। 8 लॉन्चर यानी S-400 के 8 लॉन्चिंग ट्रक। इनमें से हर लॉन्चिंग ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं, यानी S-400 के एक ट्रक से एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि S-400 की एक रेजिमेंट में 32 मिसाइलें होंगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है। बाएं जाए, दाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पाकर के रहना। भारत को दिसंबर 2021 से रूस ने S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम देना शुरू किया था। जून 2022 से भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात करना शुरू कर दिया था। 2025 तक रूस से S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट डिलीवर हो जाएंगी। चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर पाकिस्तान को अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट्स, S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के अभेद्य कवच से भारत न्यूक्लियर मिसाइलों को भी अपनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ध्वस्त कर देगा। लेकिन ये अकेला हथियार नहीं है जो मोदी 3.0 में भारत को मिलेगा। इस लिस्ट में सबसे ताकतवर ब्रह्मास्त्र का नाम है राफेल एम। July 29, 2020 को राफेल जेट का पहला जत्था भारत पहुंचा था। 36 राफेल की तैनाती से LAC और LOC पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गए। लेकिन अब समंदर की लहरों पर राफेल की निगरानी होने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में राफेल के नेवल वर्जन राफेल एम भारत आने वाला है। मोदी 3.0 सरकार के आगे जो डिफेंस सौदे हैं उस लिस्ट में सबसे ऊपर राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का मल्टी बिलियन डॉलर का सौदा है, जिसके तहत भारत ने फ्रांस से राफेल मरीन खरीदने का फैसला किया है। राफेल एम फाइटर जेट समुद्री एरिया में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किए गए हैं। मोदी सरकार नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने की डील करने जा रही है। राफेल एम फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत काफी तेजी से चल रही थी, लेकिन चुनाव की वजह से बातचीत धीमी पड़ गई। लेकिन अब नई सरकार के गठन के बाद ये बातचीत फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। राफेल का एम यानी मरीन वर्जन भारत में मौजूद 36 राफेल फाइटर जेट से भी एडवांस्ड है। इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ये राफेल एम फाइटर जेट भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में स्की जंप कर सकता है। नेवी के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल एम जेट हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर ही तैनात किए जाएंगे। 22 सिंगल सीट वाले राफेल एम और 4 डबल सीट वाले ट्रेनर राफेल एम, यानी कुल मिलाकर 26 राफेल एम की डील होनी है। राफेल एम समुद्री एरिया में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। राफेल एम 15.27 मीटर लंबा, 10.80 मीटर चौड़ा, 5.34 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 10,600 किलो है। इसकी रफ्तार 1,912 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। राफेल एम बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। इस काबिलियत को शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। राफेल एम एंटी शिप स्ट्राइक के लिए दुनिया का सबसे शानदार फाइटर जेट है। इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के बाद राफेल एम खरीदने का निर्णय इसलिए भी लिया गया क्योंकि राफेल के दोनों वेरिएंट में लगभग 85% कंपोनेंट्स और पार्ट्स एक जैसे हैं। नौसेना के लिए राफेल इसलिए भी बेहतर है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के भी काम आएगा, इससे काफी पैसा बच जाएगा। लेकर प्रधानमंत्री की तैयारी इस कदर पुख्ता है कि जून में ही देश की सेना को और मजबूत बनाने वाले बड़े बड़े फैसले लिए जाने हैं। एक बड़ा फैसला MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को लेकर हो सकता है। मोदी 3.0 के 100 दिन के अंदर वो हो सकता है जो अब तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो हथियार अमेरिका किसी को नहीं देता, अमेरिका का वो हंटर किलर UAV हिंदुस्तान को मिल जाएगा। 21 जून 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट गेस्ट बनकर Washington DC पहुंचे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच की केमिस्ट्री ने दुनिया के सबसे घातक ड्रोन में शामिल MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की मेगा डील मुमकिन करवा दी। इस डील के तहत भारत को 31 MQ-9B स्काई गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन, उसके कई सेंसर्स और हथियार मिलेंगे। इन 31 MQ-9B ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे। भारतीय सेना और वायु सेना को भी 8-8 ड्रोन मिलेंगे। इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत की सीमाओं पर गश्त लगाने के लिए किया जाएगा। मोदी 3.0 के 100 दिन के अंदर भारत के तरकश में 31 MQ-9B स्काई गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन होने का मतलब है आसमान से लेकर जमीन तक, समंदर से लेकर पहाड़ों तक, क्षितिज से लेकर आकाश की हर दिशा तक दुश्मन पर पैनी नजर रखने वाला शक्तिशाली ड्रोन चीन
और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को चैन से सोने नहीं देगा। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को रीपर ड्रोन भी कहा जाता है। इस ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल US Air Force करती है। MQ-9B प्रीडेटर ऑल वेदर ड्रोन है। ये 40 घंटे तक नॉनस्टॉप उड़ान भरता है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर नजरों से ओझल हो जाता है। अरिहंत की सफलता देश के लिए एक बहुत बड़ी, एक बेमिसाल उपलब्धि है।